पानी पड़ी तड़ पावन की, उन्हें पानी पड़ी तड़ पावन की, को कहीं और शाम के आमन की, को कहीं और शाम के आमन की। कहा नहीं मानत ये दो ने ना, कहा नहीं मानत, नदी अब है जस सावन की, ये तो नदी अब है जस सावन की, को कहीं और श्याम के आमन की, को कहीं और श्याम के आमन की। आवन की मन भावन की रे, आवन की मन भावन की रे, तो कहीं और श्याम के आमन की, को कहीं और श्याम के आवन की। श्याम के आमन की, को कहीं और श्याम के आमन की। आवन की मन भावन की रे, आवन की मन भावन की, को कहीं और श्याम के आमन की, को कहीं और श्याम के मेरे नदीम मेरे हम सफर उदास न हो, मेरे नदीम मेरे हम सफर उदास न हो, कठिन सही तेरी मंजिल मगर निराश न हो। मेरे नदीम मेरे हम सफर उदास न हो, कठिन सही तेरी मंजिल मगर निराश न हो।
हर एक तलाश के रास्ते में मुश्किलें हैं मगर हर एक तलाश मुरादों का रंग लाती है। हजारों चांद सितारों का खून होता है, सब एक सुबह खिजाओं में मुस्कुराती है। हर एक तलाश के रास्ते में मुश्किलें हैं मगर हर एक तलाश मुरादों का रंग लाती है। अनेकों चांद सितारों का खून होता है, तब एक सुबह फिजाओं में मुस्कुराती है। जो अपने खून को पानी बना नहीं सकते, जो अपने खून को पानी बना नहीं सकते, वो जिंदगी में नया रंग ला नहीं सकते। जो अपने खून को पानी बना नहीं सकते, वो जिंदगी में नया रंग ला नहीं सकते। जो रास्ते के अंधेरे से हार जाते हैं, वे मंजिल के उजालों को पा नहीं सकते। जो रास्ते के अंधेरे से हार जाते हैं, वे मंजिल के उजालों को पा नहीं सकते। मेरे नदीम मेरे हम सफर उदास न हो, कठिन सही तेरी मंजिल मगर निराशन हो। हार से डरना कैसा, प्यार की हार तो जीत है प्यार। प्यार की हार से डरना कैसा, प्यार की हार तो जीत है प्यार। प्यार की हार तो जीत है प्यारे, टूटे दिल के टीसों में भी एक सुहाना गीत है प्यारे। टूटे दिल के टीसों में भी एक सुहाना गीत है प्यारे। प्यार के दुखड़े कदम कदम पे एक अछूती राह दिखलाए, प्यार के दुखड़े
कदम कदम पे एक अछूती राह दिखलाए, प्रेमी के पलकों पे मोती, प्रेमी के पलकों पे मोती, श्वासों में संगीत है प्यारे, प्रेमी के पलकों पे मोती, श्वासों में संगीत है प्यारे, प्यार की हार से डरना कैसा, प्यार की हार तो जीत है प्यारे। अपनी आशाओं की कलिया इस दुनिया से ओझल कर ले, अपनी आशाओं की कलिया इस दुनिया से ओझल कर ले, फूल पे धूल उड़ा कर हंसना, फूल पे धूल उड़ा कर हंसना, इस दुनिया की रीत है प्यारे, फूल पे धूल उड़ा कर हंसना, इस दुनिया की रीत है प्यारे, प्रेमी के पलकों पर मोती, श्वासों में संगीत है प्यारे, प्यार की हार से डरना कैसा, प्यार की हार तो जीत है प्यारे। अपनी आशाओं की कलिया इस दुनिया से ओझल कर ले, अपनी आशाओं की कलिया इस दुनिया से ओझल कर ले, फूल पे धूल उड़ा कर हंसना, फूल पे धूल उड़ा कर हंसना, इस दुनिया की रीत है प्यारे, फूल पे धूल उड़ा कर हंसना, इस दुनिया की रीत है प्यारे। सन्नाटे में सबनम बन कर रोने वाली, रात के गहरे सन्नाटे में सबनम बन कर रोने वाली, या चंदा की ढलती छाया, या चंदा की ढलती छाया, या प्रेमी की प्रीत है प्यारे, चंदा की ढलती छाया, या पंछी की प्रीत है प्यारे, प्यार की हार से डरना कैसा, प्यार की हार तो जीत है प्यारे। वंदे जगत गुरु श्री कृष्ण, 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 वंदे जगत गुरु। ओम श्री परमात्मने नमः। अरे भाई तुम लोग कहाँ चले गए थे? खाना खरीदने के लिए, खाना खाने गए। अच्छा जी, कल आप लोगों को बताया गया था
बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। प्रभु कह रहे हैं कि दुनिया में जो कुछ सार रूप में है वह सब मेरा ही स्वरूप है, मेरी ही विभूति है। विभूति शब्द का अर्थ होता है अभिव्यक्ति। भगवान की दो प्रकार की अभिव्यक्तियां हैं, भूति और विभूति। भूति जो है वो सामान्य है, विभूति जो है वो विशेष है। सामान्य जो कुछ है सब भूति है, सामान्य जो कुछ है वो भूति है और विशेष जो कुछ है वो विभूति है। जैसे जगत के लिए कहा ये सब परमात्मा से प्रकट होता है, परमात्मा में स्थित है, परमात्मा में लय हो जाता है, इसलिए जगत जो है वह भूति है। इसको संभूति भी कहा है उपनिषदों में। और इस संभूति व भूति में जो विशेष है उसको विभूति कहते हैं। विशेष क्या है? जैसे मनुष्य में बुद्धि तो सब में होती है थोड़ी बहुत, लेकिन उसमें जो बुद्धिमताम है तो भगवान की विभूति है। सामान्य नॉर्मल बुद्धि जो है वो भूति है, संभूति है, ऐसे समझ लीजिए। तो संभूति और विभूति ये दो प्रकार की आइडियोलॉजी भगवान ने समझाया है। संभूति जो है वो सामान्य है और विभूति जो है वो विशेष है। तो मनुष्य जो है वह सामान्य संभूति का ही अंश है, लेकिन उसमें विभूति जो है वह जब विशेष अभिव्यक्ति होती है, विशेष गुण की अभिव्यक्ति, विशेष ज्ञान की अभिव्यक्ति, विशेष शक्ति की अभिव्यक्ति, तो उसको विभूति कहते हैं। तो इसमें प्रभु अपने विभूति की व्याख्या समझा रहे हैं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, जो समस्त प्राणियों का सनातन बीज है वह मैं हूं। सनातन बीज का अभिप्राय कल मैंने समझाया था आप लोगों को कि केवल जिस्ट ही नित्य नहीं है, एसेंस ही नित्य नहीं है, सबस्टेंस ही नित्य नहीं है, बल्कि उसके द्वारा जो उत्पन्न हुआ आकार और प्रकार है वो भी नित्य है। ये जगत जो दिखाई दे रहा है नाम रूपात्मक, तो केवल जिस्ट ही नित्य नहीं है, इसके पीछे जो सबस्टेंस है वही नित्य नहीं है, बल्कि नाम और रूप भी उसके नित्य है। ये नाम और रूप के नाते ही विभिन्न प्रकार की विचित्रता जगत में दिखाई देती है, डाइवर्सिटी दिखाई देती है। और इस नाम और रूप का जो बीज है वो भगवान स्वयं है और वह बीज सनातन है। तो जैसे बीज नित्य होने से वृक्ष के आकृति प्रकृति की भी नित्यता अनिवार्य है। कल मैंने समझाया था कि बीज में वृक्ष के पत्ते, वृक्ष के फूल, वृक्ष की आकृति, वृक्ष की प्रकृति, वृक्ष की लंबाई चौड़ाई सब उसमें निहित होती है। यानी बीज में ही उसका सारा आकार प्रकार निहित है। इसी रूप से हर एक बीज, मनुष्य का जो बीज है, मनुष्य के बीज में ही मनुष्य की आकृति और प्रकृति दोनों निहित है। आकृति और उसकी प्रकृति, प्रकृति माने उसका स्वभाव, उसके नेचर ये, और मनुष्य की मनुष्य रूप में आकृति, दो पांव, दो हाथ, सर, आंख, नकान, नाक, ये जो आकृति है ये किसमें है? मनुष्य की, बीज में। तो यदि बीज सुरक्षित है, बीज सनातन है, तो आकृति प्रकृति असनातन कैसे हो सकती है? बहुत बहुत महान महत्वपूर्ण बात यहां पर भगवान ने बताई है। ये बात जहां तक अद्वैतवाद की बात है, मायावाद की बात है, मिथ्यावाद की बात है, उन सबसे ये बड़े परे हैं। इसको
आप ईश्वर ईश्वरवाद भी नहीं कह सकते, बल्कि इसको आप ब्रह्मवाद, ब्रह्मवाद इसके लिए उपयोगी शब्द है, अंग्रेजी में इसके लिए पैंथीज्म कहते हैं। पैंथीज्म, पैंथीज्म का अभिप्राय कि परमात्मा ही जगत है, जगत ही परमात्मा है, परमात्मा और जगत दोनों अभिन्न है, उसको पैंथीज्म कहते हैं अंग्रेजी में। तो दिस इज द फिलोसफी ऑफ पैंथीज्म। ये यहां जो कुछ प्रकट है, जो कुछ आकृति है, प्रकृति है, किससे है? सब परमात्मा से, क्योंकि बीज परमात्मा है। बीजम माम सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम का अभिप्राय एक बीज नहीं है, संपूर्ण प्राणियों का समस्त बीज परमात्मा है। जितने प्रकार के बीज दुनिया में हो सकते हैं, जितने प्रकार की आकृति और प्रकृति हो सकती है जड़ व चेतन की, यहां पर सर्वभूतानाम का अभिप्राय जड़ भी और चेतन भी। जड़ माने ये जो समस्त ब्रह्मांड के, यानी वनस्पति, औषधि, लता गुल्म, वृक्षाद जो हैं, ये सब जड़ तत्व हैं, इनका भी बीज परमात्मा है। और चेतन तत्व, ये कीड़ी से लेकर के मनुष्य तक, जो कुछ चलता फिरता समझ रखने वाला, यानी समन जीव है, गतिशील जीव है, ये इनके भी सबके बीज प्रभु है। ये बीज नित्य है, सनातन है, इसीलिए वर्तमान में ये जो दो प्रकार की फिलोसफी के ऊपर डिस्कशन हो रहा था पश्चिम जगत में, यानी एक तो ये वर्ल्ड इज अ क्रिएशन ऑफ गॉड एंड वर्ल्ड इज ए इवोल्यूशन ऑफ नेचर, ये दो प्रकार के सिद्धांतों को लेकर यहाँ काफी, यानी बहुत चली रही है इसमें। अब ये जो पैंथीज्म है, ये इस बात को स्पष्ट रूप से बताता है कि क्रिएशन और इवोल्यूशन बोथ आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली, साइड बाई साइड, इसमें कोई भेद नहीं, इसमें कोई संघर्ष नहीं है, कोई दो अलग अलग थ्योरियां नहीं है। क्रिएशन किसका, क्रिएशन माने क्या होता है? किसी वस्तु का प्रकट होना, किसी वस्तु का आविर्भूत होना, किसी वस्तु का सामने आना, किसी वस्तु का साकार रूप में सामने आना। और इवोल्यूशन माने क्या होता है? विकसित होना। तो विकसित होकर क्या होगा? तो भी सामने आएगा। अब वो सामने कैसे आया? किसी के हथौड़े से बनाने से आया, संकल्प से आया। तो परमात्मा तो हाथ से तो बनाता नहीं, यहां क्रिएशन की बात है परमात्मा के, वहां भी संकल्पात्मक है, वेद में भी इसकी व्याख्या है, सतपम तप्वा लोकान असृजत, परमात्मा ने तप किया, तप के द्वारा लोक का निर्माण किया, वहां असृजत शब्द है, लोक का सृजन किया, सृजन माने निर्माण। तो ये जो सृजन की बात वेद में बताई गई है, और वही वेद ये भी कहता है कि परमात्मा स्वयं जगत रूप में प्रकट हुआ, दोनों बात कही है, और स्वयं वो विकसित होकर के, यानी पांचवी आहुति में अपस तत्व जो है पुरुष रूप में परिणित हो गया, ये भी वेद में बताई गई। तो पांचवी आहुति में अपस जो है पुरुष रूप में परिणित हुआ, ये इवोल्यूशन की थ्योरी है, और यही थ्योरी हमारे यहां वेदांत का आधार है। पांचवी आहुति में अपस जो था पुरुष संज्ञक हो गया। पांचवी आहुति कौन सी आहुति? पांच है, उसमें बताया गया कि पहली आहुति, दूसरी आहुति, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये सृष्टि विकास क्रम की प्रक्रिया में है। यदि हम इसको सरल शब्दों में आप लोगों को समझावें तो ऐसे समझा सकते हैं, सूर्य की किरणें रस को खींचती हैं, ये रस की आहुति सूर्य में पड़ रही है, ये पहली आहुति है। सूर्य पुनः उस रस को पृथ्वी पर बरसाता है, तो वृष्टि की आहुति पृथ्वी पर पड़ती, ये दूसरी आहुति है, और उस वृष्टि से औषधियां उत्पन्न होती हैं, और उस औषधि को जब लेकर के पुरुष अपने उदर में डालता है तो वो तीसरी आहुति है। ये तीसरी आहुति हुई, वो औषधियां जल से हुई, ये तीसरी आहुति है, और पुरुष के शरीर में जो उस रस से वीर्य बना, जो औषधि खाई तो वीर्य बना उसे, तो वीर्य का सिंचन उसने स्त्री में किया, वो चौथी आहुति है, और स्त्री ने
उस यानी सिंचित वीर्य को अपने अंदर यानी बढ़ाया, वृद्धि को प्राप्त किया, जो बालक रूप में होकर के पांचवी आहुति में पैदा हो गया, मनुष्य बन गया, बच्चा बनकर बाहर आ गया। अब ये जो बच्चा बनकर के आया बाहर, कौन आया? अपस्रस्त। सूर्य ने अपनी किरणों से क्या खींचा था? रस खींचा था, और वही रस बादल बनकर के बरसा था, और वही औषधि रूप में परिणित हुआ था, वही औषधि का रस पुरुष के शरीर में गया था। वहां भी रस का यानी विशेष रूप से परिवर्तन होकर के एक धातु रूप में परिणित हुआ था, और वही धातु जाकर के सिंचन के रूप में गया, और वही आगे चलकर के बालक रूप में आया। तो उपनिषद बताती है कि वो जो अपस्रस तत्व था वो पांचवीं आहुति में पुरुष बनकर के बाहर आ गया। प्रश्न, अब इसमें क्या है? इसको आप क्या कहेंगे? क्रिएशन कहेंगे या इवोल्यूशन कहेंगे, विकास कहेंगे, क्या कहेंगे? इसको आप क्रिएशन कहेंगे या विकास कहेंगे? कल्पना कीजिए, ये क्या है? यदि आप इसको मनन करेंगे तो इसमें आप इसको क्रिएशन भी कह सकते हैं, विकास भी कह सकते हैं, वो इसको क्रिएशन भी कह सकते हैं, विकास भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ इसमें एफर्ट है जो कि क्रिएशन के नाम से आप कह सकते हैं, और कुछ इसमें जो गति है वो विकास के नाम से कह सकते हैं। ये वेदांत की थ्योरी है। अब यहां पर झगड़ा इस देश में जो है वो ये है कि परमात्मा और रिलीजन अलग है, फिलोसफी अलग है, इसलिए इस देश में झगड़ा है। फिलोसफी और धर्म यहां एक साथ नहीं हुआ कभी, और न तो कभी होगा, क्योंकि धर्म में फिलोसफी के लिए गुंजाइश नहीं है। ओल्ड टेस्टामेंट ने पहले ही मना किया है कि फ्रूट ऑफ नॉलेज खा करके एडम और ईव सिनर हो गए थे, तो तुम उससे सावधान रहो। तो जहां जिस धर्म में पहले ही ज्ञान प्राप्त करने पर ही आदमी पापी बना था, अगर सोचिए ज्ञान होने पर ही वह पापी बन गया, परमात्मा के कर्ष का पात्र बन गया, उस धर्म में ज्ञान कभी रिलीजन का आधार बनेगा ऐसी कल्पना ही नहीं करनी चाहिए। और वेद में ज्ञान ही आधार है, वेदो अखिलो धर्म मूल, नॉलेज इज द बेस सबस्टेटम ऑफ रिलीजन इज द वेदा थ्योरी। ज्ञान ही धर्म का मूल आधार है, ये वेद की थ्योरी है, वेद का सिद्धांत है। इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा था कि यहां पर जो भेद है वो इसलिए है कि बुद्धि और धर्म एक साथ नहीं है। भारतीय विचारधारा में जो इसमें कोई भेद नहीं है वो इसलिए कि बुद्धि और धर्म दोनों साथ साथ चलता हुआ, धर्म बुद्धि